अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज है जी बारात का दिन, मेरी नंद की बारात है आज, और अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। और बस बारात के लिए अभी तो वो हम लोग सब तैयार होने लगे हैं, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ सैलॉन, और रास्ते में जो मुझे काफ़ी काम करने थे वो मैंने किए हैं, और अभी जो है ना मुझे फ्लावर्स वगैरह बालों पे लगाने के लिए वो लेने हैं, तो वो लूँगी अभी रास्ते से, और फिर आगे सैलॉन पर चलते हैं, तो वो मैं फ्लावर्स वगैरह ले के और फिर सैलॉन पर तैयार होने के लिए जाऊँगी। जी तो मैं फ्लावर्स लेने आई थी और बहुत मुश्किल से मुझे जो है ना वो फ्लावर्स मिल गए हैं, और अब जो है ना मैं सैलॉन जा रही हूँ और मेरी बुकिंग है गुड़िया सईद सैलॉन की, तो चले वहाँ पे जाके अब मिलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोग हॉल की तरफ जा रहे हैं मार्केट की तरफ, लेकिन अभी हमें रास्ते में भूख लग गई है और मिरहा को भी बहुत सख्त भूख लगी हुई है, तो अभी हम लोग जा रुके हुए मैकडोनल्ड्स, और इसके बाद जो है ना हम आगे ना चलते हैं हॉल की तरफ, लेकिन कुछ खा भी। अब हम मार्केट पहुंचने लगे हैं, इसको मैंने मार्केट में जाके तैयार करना है, और बस पहुंचने क्या लगे हैं बल्कि ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, तो हाँ जी ऐसे इनको बाद में डांस नहीं आ रहा, इनको अभी आएगा, अभी से डांस आ रहा है, मेरा रंग भी डांस करना है ना मेरा। इसको तो रात को 4 बजे भी जो है ना डांस आ रहा था, और ये कह रही थी कि जो है ना मामा मेरा हाथ पकड़े और मुझे डांस करवाए, है ना मेरा, ऐसी कह रही थी ना मेरा। और मैं तैयार हुई हूँ गुड़िया सईद से, इससे ज़्यादा क्या हो, मामा मेरे को बैठा हुआ है। अच्छा आए आए आप सबको ना आए पढ़ना चाहते हाय बोल जी। बारात आने लगी है अभी, तो हम लोग बारात के वेलकम की तैयारियां कर रहे हैं, और फाइव बैंड वगैरह बज रहे हैं, बस हम उनकी अब तैयारियां कर रहे हैं, वो देखते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी अब ब्राइड की एंट्री होने लगी है, मेरहा ने अपनी नींद भी पूरी कर ली है ना मेरा, और मेरहा बिल्कुल भी बिंदिया नहीं लगा रही है, मेरहा बिंदिया उठा उठा के फेंकती है, मैं बिंदिया लगाऊंगा आपको, मेरहा बिंदिया लगाऊंगा आपको, नहीं जी वो कह रही है नहीं, चलिए अब ब्राइड की एंट्री देखते हैं।
अच्छा जी, तो अब हम घर आ गए हैं और हमारा शलीमे का फंक्शन ख़त्म हो गया है और बहुत इंजॉय किया है और अब थक भी हैं। आपको पता है कि डांसेस वगैरह भी सब ने किए हैं और फिर और बड़े काम होते हैं, शादी में घूमना फिरना, गेस्ट को रिसीव करना, उनको देखना, तो बंदा थक ही जाता है उससे। और दुल्हन रुखसत हो गई है और दुल्हन अपने घर चली गई है। चलें अब देखते हैं मुताबिक वगैरह की रस्म होगी, देखते हैं अब उस पर। चलिए ये देखिए, मेरा अभी भी ये मेकअप फ्रेश है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक और फंक्शन अटेंड कर सकती हूँ। लेकिन अब आपको पता है, हर बंदे ने जितने मर्जी पैसे लगा लो, लेकिन वॉश तो लाजमी करना होता है और मुझे भी वॉश करना पड़ेगा। लेकिन चलें, फिर भी ज़िंदगी में मौका मिला फिर तो फिर इंशाल्लाह तैयार होंगी। वैसे मैं आज पूरिया सईद से तैयार हुई थी और बहुत अच्छा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उधर जाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। बाय बाय।